पिछले दिनों हरियाणा के नूह जिले में एक सांप्रदायिक हिंसा होती है उसके जवाब में हरियाणा के कई हिस्सों में छुटपुट सांप्रदायिक हिंसा की खबरें आती हैं। लेकिन आज हम समझते हैं इस पूरी घटना हुई क्यों, इसकी वजह क्या थी और अभी वहाँ पे क्या हालात हैं। अभी के अगर हालात की बात करें तो पूरे उस इलाके में नूह और हरियाणा के उससे सटते जिलों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है और धारा 144 कई इलाकों में लगी है और इसके साथ साथ जो अलग अलग जगह जो हिंसाएं हुई उसमें अभी तक कुल 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 31 जुलाई और 1 तारीख की रात में जिस तरह से एक मस्जिद के अंदर कुछ लोग घुसते हैं और वहां सोए हुए इमाम की जिस तरह से गोली मारकर हत्या की जाती है और उस मस्जिद को आग के हवाले कर दिया जाता है, इस तरह कई और घटनाएं छोटी छोटी कई जगह पर हुई हैं। लेकिन जो बड़ा जो हिंसा और सांप्रदायिक हिंसा केंद्र बना इस पूरे घटना के दौरान वो नूह के आसपास का इलाका था, नूह जिला के और मेवात जो क्षेत्र है, जो मुस्लिम का क्षेत्र है वही रहा है। उसी के आसपास बड़े तौर पर आगजनी और गाड़ियों में जो आग लगाई गई वो इस पूरे इलाके में ही रहा है। नूह जिले के ही नल्लड़ गांव के पास शिव मंदिर से यात्रा शुरू होनी थी और वहां से यात्रा शुरू भी होती है, उस यात्रा के दौरान ही दो समुदायों में आपस में पथराव और झड़प होता है जिसके बाद ये पूरी सांप्रदायिक हिंसा सामने आती है। शोभा यात्रा निकालना एक समुदाय का अपना अधिकार है, उसकी परंपरा है, अधिकार है, लेकिन भड़काना, चुनौती देना, वीडियो इशू करना और लाठी तलवार लेके चलना किसी का अधिकार नहीं है। इसमें बहुत गंभीर रूप से प्रोवोकेशन किया गया है। दूसरी बात ये प्रोवोकेशन था, गुस्सा और आक्रोश समझ आता है, लेकिन पत्थर चलाने का अधिकार किसी को नहीं है। और ख़ास तौर पे जो होमगार्ड को जो हुआ, जो तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, तो जाहिर है ये बहुत ही एक सीरियस लैप्स है, बहुत सीरियस घटना है। ये एक अचानक हुई घटना नहीं थी, इससे पहले 2-3 दिनों से सोशल मीडिया पर दोनों समुदायों के बीच में एक सोशल मीडिया वॉर की स्थिति बनी हुई थी। दोनों ग्रुप एक दूसरे को लेके वीडियो पोस्ट कर रहे थे जिसमें एक दक्षिणपंथी हिंदू ग्रुप लगातार मुस्लिमों को लेके आपत्तिजनक शब्दों के सहित वीडियो पोस्ट कर रहा था जिसमें वो भड़काने की कोशिश कर रहा था और दूसरा ग्रुप उसी तरह के वीडियो बनाकर उसके जवाब देने की कोशिश कर रहा था। पूरे हरियाणा को पता, पूरे देश को पता है, बिट्टू बजरंगी ने जो एक वीडियो वायरल किया था जिसमें बोला गया था कि हम लोग जो है पाली गांव पहुंच चुके हैं और जो है अभी हम निकलने वाले हैं, कभी ये कहो कि आप लोगों को बताया नहीं था, तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं, माला वगैरह तैयार रखना। ये मामला पिछले एक महीने से काफ़ी तूल पकड़ा हुआ था, कुछ बैड एलिमेंट्स जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे के इस गहवारे को नष्ट करना चाह रहे थे, चाहे वो मौनू मानेसर जैसे लोग हों, चाहे बिट्टू बजरंगी जैसे लोग हों, उन्होंने विवादास्पद अपनी पोस्टें छोड़ी, वीडियो बना करके डाली, कहीं दामाद बनने का जिक्र किया, कहीं काटने का जिक्र हुआ और वो लोग उसी मानसिकता के तहत सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ मेवात में आए और वहाँ से चूँकि दोनों तरफ से प्रोवोकेशन हो रही थी, उसके प्रतिकार में लोग अपनी रिएक्शन दे रहे थे, मुस्लिम समाज के लोग, तो ये मामला इतना टेंस हो गया। अगर इस बीच में प्रशासन सही कदम उठा लेता, सेफ्टी मेजर्स सारे ले लेता, तो मेरा मानना है कि शायद ये नौबत नहीं आती। प्रोवोकेशन करने वाले लोग हिंदू संगठनों के लोग हैं, लेकिन उस प्रोवोकेशन का जवाब देने वाले लोग यहाँ के कुछ असामाजिक तत्व और गुंडे तत्व हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि उन्होंने प्रोवोक किया, जाल फेंका और यहाँ के लोग उस जाल में फंस गए। इन सब के बावजूद उस यात्रा को परमिशन दी जाती है और यात्रा के दौरान जिस तरह से हथियार लहराए जाते हैं और कुछ नारे और अभद्र इशारे करने की भी रिपोर्ट है, इस तरह की घटनाएं वहाँ होती हैं, लेकिन प्रशासन इन सब के दौरान मूक दर्शक बना रहता है। इसमें पुलिस प्रशासन जो था वो पूरी तरह से मेल्टडाउन हो गया। 4-5 घंटे के लिए नूह में कोई पुलिस थी ही नहीं, बड़कली की चौक के अंदर कोई पुलिस वगैरह जाने को तैयार नहीं थी और जो कुछ बचाया है वो तो लोगों ने जाके बचाया है, मजिस्ट्रेट को बचाया तो यहाँ के वकीलों ने पर्सनली जाके बचाया, वहाँ बड़कली चौक पे और हिंसा होने से बची तो गाँव वालों ने आके, हिंदू मुसलमानों ने मिल के बचाया है। प्रशासन का 100% फेल्योर रहा है। 5-6 घंटे के लिए लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो गया था, कोई सड़क पर पुलिस प्रशासन नहीं था, मजिस्ट्रेट एक फंसी थी हमारे सेशन जज में, जो कोर्ट में था तो सेशन जज ने हमें कहा कि भाई कोई मदद नहीं मिल पा रही है, मजिस्ट्रेट फंसी हुई है, बच्चे को दिखाने के लिए गई थी, आप प्लीज़ मदद करिएगा। तो हम 10-15 एडवोकेट्स यहाँ जान पर खेलकर उस मजिस्ट्रेट को रेस्क्यू करके कोर्ट लेके गए हैं
तो इस बीच में हमने भी पुलिस को गुहार लगाई थी और सेशन जज साहब ने भी पुलिस को गुहार लगाई थी, लेकिन पुलिस कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इसका साफ मतलब है कि या तो ऊपर से इशारा था कि आपको बिल्कुल हट जाना है, या फिर पुलिस प्रशासन का फेल्योर हो गया, पूरी तरह से कोलैप्स हो गया। जब हम पहुंचे तो आज भी स्थिति, भले वहां शांतिपूर्ण सरकार बता रही है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है, लोगों में एक तरह का डर दिखता है। हालांकि आपको बता दें, मेवात पूरा इलाका जो है इस तरह के टेंशन से दूर रहा है। यहां हमेशा से हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती रही है पिछले कुछ सालों में, लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरह से गौ हत्या, गौ तस्करी के नाम पर इन इलाकों के मुस्लिम नौजवानों को निशाना बनाया गया है, उसको लेके एक तरह के एक टेंशन बनाने की कोशिश हुई है, जिसका नतीजा हमको इस सांप्रदायिक हिंसा के दौरान देखने को मिला। हमारे मेवात में इस तरह की कोई घटना कभी ऐसा हमने सुना नहीं है, लेकिन देश में, पूरे देश में आग लगी हुई है। कभी गाय के नाम पर मार देते हैं, हमारे मेवात के बहुत सारे नौजवानों को इन्होंने मार दिया है, चाहे नासिर की बात हो, चाहे जुनेद की बात हो, साहिब की बात हो, सद्दाम की बात हो, शैकुल की बात हो, या फिर रकबर की बात हो। कोई ये अकस्मात घटना नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश की बू आती है, क्योंकि जिस तरह से इस अमन पसंद इलाके को पिछले 10-12 साल से दंगाई बनाने की कोशिश हो रही थी, लेकिन यहाँ के जो सामाजिक सौहार्द वाले लोग हैं, जो यहाँ की संस्कृति है, साझा संस्कृति और भाईचारा है, उसको देखते हुए यहाँ के लोगों ने इसको दरगुजर कर रखा था, वरना बहुत कोशिशें हो रही थी। लेकिन पिछले दिन जो घटना हुई है, उसमें बीजेपी और RSS के जो नफरत पसंद लोग हैं, उसमें कहीं ना कहीं हद तक कुछ कामयाब हो गए हैं। ये संवेदनहीनता है जी, जब जो चीज़ें सोशल मीडिया पर बराबर चल रही हैं और एक चैलेंजबाजी हो रहा है, भाई तुम्हारा दामाद आ रहा है, माला तैयार करके रखना, और मोनू मानेसर जो काफ़ी दिन से यहाँ एक विवाद की जो जड़ बना हुआ है दोनों प्रदेशों में, राजस्थान और हरियाणा में, क्योंकि उसने उससे पहले जो दो लोगों की लिंचिंग हुई थी उसका वो मुख्य सूत्रधार रहा, और अगर उन चीज़ों पर प्रशासन कंट्रोल नहीं कर रहा, उनकी चेतावनियों को हल्के में ले गया, तो या तो ये प्रशासन की भूल कहूँगा, या फिर प्रशासन की तरफ से जानबूझ करके की गई है। अब लेकिन सवाल ये उठता है, क्या इतनी बड़ी अगर पहले से साजिश हो रही थी, सरकार को इसकी भनक नहीं थी? यही सवाल लगातार वहाँ का विपक्ष भी सरकार से पूछ रहा है, क्योंकि राइट विंग जो हिंदू समूह है, पिछले कुछ इलाकों के उनका निशाना ये मेवात का पूरा इलाका रहा है। इसके बावजूद इस तरह की यात्राओं को परमिशन देना, हथियार का खुलेआम प्रदर्शन करना, उसको ना रोक पाना प्रशासन के लिए एक चुनौती बना था। यही तो सारा खेल है, जो पिछले कई सालों से मेवात में दंगा हिंसा करवाने की कोशिश हो रही है, उसका मकसद यही तो है कि एक चिंगारी यहाँ से निकले और उस चिंगारी से पूरे NCR को जलाया जाए। और इसलिए इस बेहद सेंसिटिव इलाके में पुलिस प्रशासन की, समाज की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। फर्क तो किसी भी दंगे से पड़ता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन ये दंगा यहाँ के स्थानीय लोगों का आपसी दंगा नहीं है, बल्कि बाहरी लोगों का प्रायोजित किया हुआ दंगा है। आज भी यहाँ के लोगों ने एक दूसरे की मदद की है, हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने उन गुंडों से मुकाबला करके उनको भगाया है, तो यहाँ के आपस में के समुदाय में आपसी लड़ाई नहीं है, दंगा नहीं है, बल्कि प्रायोजित दंगा था जिसको प्रोवोक किया गया, और यहाँ के लोग वहाँ उस जाल में फंस कर उस दंगे का हिस्सा बन गए। झगड़ा तो 31 को होकर के क्लोज हो गया, अब तो उसके जो रिएक्शंस आउटपुट आ रहे हैं, कहीं पलवल में दंगाई लोगों को तंग कर रहे हैं, कहीं गुड़गांव कर रहे हैं, कहीं होडल कर रहे हैं, कहीं आपका पटौदी कर रहे हैं, कहीं फरुखनगर कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमेशा बाहरी लोगों का हस्तक्षेप रहा है, और उसके बाद प्रशासन की जो कार्रवाई यहाँ है, जायज़ लोग जो हैं उसके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उसके आड़ में अगर किसी निर्दोष के साथ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वो भी प्रशासन को देखनी और समझनी चाहिए। इस हिंसा के बाद से राइट विंग हिंदू ग्रुप हरियाणा, दिल्ली NCR के आसपास पूरी मुस्तैदी से एक्टिव हो गए, और दिल्ली NCR कई जगहों पर उसने इस घटना को लेकर प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया। गाँव में डर का माहौल है, लोग भयभीत हैं, क्योंकि इतना जो पुलिस प्रशासन जो आज ये कसरत करने में लगे हुए हैं, आकाश ये 30 तारीख को ये सारी चीज़ें हो जाती, 29 तारीख को ये सारी चीज़ें हो जाती, अगर इसका 10% जो आज फोर्स यहाँ डिप्लॉय की है
उसका अगर 10% फोर्स भी यहाँ डिप्लॉय हो जाती तो मेरा मानना यह है कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता जो आज एक हमें दुर्भाग्यपूर्ण दिन देखने को मिल रहा है। हमने यहाँ SP और DC से मिलके उनसे मांग की है कि नंबर एक, जो भी पथराव के दोषी हैं उनकी शिनाख्त की जाए और शिनाख्त करके उनको पकड़ा जाए, इंडिस्क्रिमिनेटली ना पकड़ा जाए। दूसरा, जिन्होंने प्रोवोकेटिव वीडियो इशू किए जो कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के एकदम स्पष्ट रूप से अंदर आते हैं, उनके खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज किया जाए, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। और तीसरा, पुलिस प्रशासन ने किस तरह से ऐसे प्रोसेशन को यहाँ होने दिया जबकि 2 साल पहले यहाँ एग्जैक्टली इसी प्रोसेशन में बदमाशी होने का रिकॉर्ड है, इसकी जाँच की जाए। इस विरोध प्रदर्शन के बीच एक ग्रुप सुप्रीम कोर्ट गया, उसने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि इस तरह के जो प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली NCR में, इसको रोका जाए क्योंकि इस तरह के प्रदर्शनों में मुसलमानों, खासतौर पर उनके टारगेटेड, उनके खिलाफ हेट स्पीच दी जाती है, इसको रोकने के लिए ज़रूरी है कि इस प्रदर्शन को अनुमति ना दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और हेट स्पीच के मामले को लेकर अगली सुनवाई 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होनी है। अभी के लिए बस इतना ही। इस तरह की और खबरें और इस मामले में जो भी अपडेट होगा न्यूज़ क्लिक आपके बीच में लेके आता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद।